नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश आतंकिस्तान का आईना में आपका बहुत स्वागत है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ये मीटिंग SCO सदस्यों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच होनी है। इस तरह की मीटिंग में आमतौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अब अगस्त महीने में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस SCO मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के बदले विदेश मंत्री जाएंगे SJ शंकर। एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के मुद्दे पर बात करने नहीं जा रहे, बल्कि वो SCO समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। एस जयशंकर का यह पाकिस्तान दौरा तब होने वाला है जब पिछले कुछ सालों में आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। 30 अगस्त को जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ लगातार बातचीत का युग खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी एक्शन के नतीजे के लिए हम तैयार हैं। इस बात का भी यहाँ पे दोहराया गया था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। देखिए, इस्लामाबाद में SCO समिट, विदेश मंत्री करेंगे शिरकत। जयशंकर का पाक दौरा, जाने से पहले सबक गहरा। सभ्यता और विनम्रता, जयशंकर ने बिलावल को दिखाया आईना। पाक विदेश मंत्री की फजीहत, गोवा दौरे में खुद हुए बेइज्जत। भारत के लिए सम्मेलन अहम, पाकिस्तान से नहीं मतलब। मालदीव पर नकेल, पाक को नहीं घास, नए भारत का अंदाज। सुषमा के बाद जयशंकर, 9 साल बाद पाकिस्तानी जमीन पर पैर। भारत पाकिस्तान संबंध, द्विपक्षीय रिश्तों का न्यूनतम स्तर। भारत में आतंकी हमले पाकिस्तान को महंगे पड़े। शंघाई सहयोग संगठन, आतंकवाद का मुद्दा अहम। तो देखिए, पिछले 9 सालों से भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं गया है। आखिरी बार दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी। वहीं अगस्त 2016 में आखिरी बार किसी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान में आयोजित बहुपक्षीय मीटिंग में हिस्सा लिया था। तब गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने सार्क देशों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक के लिए इस्लामाबाद गए थे। वो सितंबर 2016 में उरी आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आयोजित किसी भी मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब 2019 के पुलवामा हमलों ने दोनों देशों के रिश्ते और कड़वे कर दिए हैं। इसके बाद से अब सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भारत के 2 मंत्री वहां गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। इस दौरान वो इस्लामाबाद में SCO के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेंगे।
9 साल में यह पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। हालांकि इस दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने निशाना साधते हुए पूछा है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ऐसा क्या महान परिवर्तन हो गया है जो भारत को ये कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। वैसे पाकिस्तान ने न्योता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये राष्ट्रपति मोइजू की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। इन दो यात्राओं से भारत की बदली हुई और कठोर विदेश नीति का पता चलता है। मोइजू जहां चीन के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे और इंडिया आउट का नारा देकर चुनाव लड़े थे और जीते भी, लेकिन भारत के साथ संबंधों में पड़ी खटास ने उनके देश की हालत ऐसी कर दी कि अब वो वापस से भारत के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने अगस्त के ही महीने में SCO मीटिंग का न्योता दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध फिलहाल अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की शह पर हमले और उसके बाद बदले में पाकिस्तान के अंदर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ रिश्तों में आए इस छोटे से बदलाव को भी बेहतरी के नजरिए से देख रहे हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे तो वी ऑलरेडी डाउनग्रेडेड दैट, ओके, सो द FM इज गोइंग व्हिच इज क्वाइट समथिंग ऑफ कोर्स, बट हमने उसको वो पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए हमने उसको वो अकॉर्डेंस नहीं दिया। Secondly, SCO is a useful, important mechanism. हम पाकिस्तान के चलते अपना रोल क्यों SCO से रिड्यूस करें? तो वी हैव टू प्ले अ रोल, वी आर प्लेइंग अ रोल, जो भी हमें दिखता है विद द SCO, पाकिस्तान उसमें है या नहीं है, हमें उस चीज को साइडलाइन करके देखना है, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट हैं इन द SCO कॉन्टेक्स्ट, इन द लार्जर रीजनल कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल जो इश्यूज हैं, दे वेरी लार्ज इंटरेस्ट। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया की पॉलिसी मेल नहीं खाती, दोनों ही एट द मोमेंट टोटली टेंशन में हैं। और शहबाज शरीफ कई स्टेटमेंट बना चुके हैं, कश्मीर का मुद्दा भी उठा चुके हैं लेटली, और अब जो हम शंघाई कॉपरेशन में जो मीटिंग होगी, अब ये देखना पड़ेगा कि भारत किस किस चीजों में डिस्कस करता है, क्या क्या बातें होती हैं, क्या ऑन द साइड पाकिस्तान के लीडर्स ये प्रपोजल डालेंगे कि वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, क्या ये ऐसी कोई चीज होगी, ये तो देखने से पता चलेगा। पर फिलहाल ये एक अच्छा मैसेज है कि इंडिया और पाकिस्तान के, अगर इंडिया पाकिस्तान में जाकर एक इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि अब चीज रेप्रोचमा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जिसको कहते हैं कि सूझबूझ के साथ में काम और डायलॉग के साथ में काम होता नजर आ रहा है, इससे टेंशन कम होगी। लगभग एक दशक से भारत का कोई नेता पाकिस्तान नहीं आया था। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पिछले साल गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में गोवा आए थे, लेकिन वहां भी क्योंकि उन्होंने अनाप शनाप बोला था, इसलिए उस दौरे का बहुत फायदा नहीं हो पाया था। वहीं विदेश मामलों के जानकार का कहना है कि भारत को SCO में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभानी चाहिए, भले ही यह सम्मेलन पाकिस्तान की जमीन पर हो रहा है। इंडिया की डिमांड्स तो पाकिस्तान में बहुत सारे और आतंकी है जिनको लेकर के भी रही है, जिनका पाकिस्तान गवर्नमेंट का डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस है, राइट? जब उनको लेके पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं करा तो जाकिर नायक को लेके हम क्या एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान से, वन। एंड सेकेंडली, यस, वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको जो भी मौका मिले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का, या तो दुनिया भर में या अपने देश के अंदर ही वो स्प्रेड करता है, और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो अपने देश में इसलिए स्प्रेड करता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, जो उनकी अपने फेलियर्स हैं और अपने जो चैलेंजेस इंटरनल हैं, इकोनॉमी के हैं, आतंक का चैलेंज भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, नो डाउट, बट इकोनॉमी का है, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, उनसे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ये कदम उठाता है, तो यस, अंडरस्टैंडेबल है। इन चीजों को हमें इग्नोर भी कर देना चाहिए। जब अक्टूबर माह की 15-16 तारीख को SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं, तो भी उन्होंने साफ कर दिया है कि वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि वो SCO के अच्छे सदस्य के रूप में वहां जा रहे हैं, और चूंकि वो एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हैं, तो वो उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे।
जाहिर तौर पर ये बिलावल भुट्टो के और पाकिस्तानी सत्ता के ऊपर एक तंज है, क्योंकि जब बिलावल भारत आए थे तो उन्होंने अपना मजाक उड़वा लिया था। I'm scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state. That's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा की जानकारी देते हुए कहा था कि उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। इस्लामाबाद में SCO समिट आगामी 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। The External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इत्यादि के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बनाया गया था, लेकिन भारत के इसमें आने के बाद से इसका संतुलन पूरी तरह बदल गया था। तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पिछली बैठक में भी भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जोर से पटकनी दी थी। इसके साथ ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने POK को वापस भारत में मिलाने की योजना का ऐलान कर पाकिस्तान को सख्ते में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ चीन के इशारे पर उछल रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के तेवर भी अब ढीले पड़ चुके हैं। भारत से रिश्ते खराब कर मुइजू अपने ही देश में फंस गए हैं। इसके साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है, लिहाजा राष्ट्रपति मुइजू भी अब भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। मालदीव और पाकिस्तान ऐसे दो देश हैं जो अपनी करनी की वजह से भारत की कठोर विदेश नीति के निशाने पर आ गए हैं और उसका खामियाजा भुगत कर अब पछता भी रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में होने वाली बैठक से पहले शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक जुलाई में हुई थी और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो पाए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ही उस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा था जो आतंक को प्रश्रय देते हैं। जाहिर तौर पर ये प्रहार चीन के प्यारे और दुलारे देश पाकिस्तान के ऊपर ही किया गया था। वहीं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर बीत चुका है, अब तो केवल ये तय होना है कि जबरन कब्जाई गई POK की जमीन को पाकिस्तान भारत को कब और कैसे वापस करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने UN के मंच से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान विल रिस्पोंड मोस्ट डिसाइसिवली टू एनी इंडियन एग्रेशन। Actions will certainly have consequences. Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures, including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इस बयान की गूंज भी काफी देर तक सुनाई दी थी। पाकिस्तान के मुहाफिज तुर्की ने भी इस बार बहुप्रतीक्षित कश्मीर राग नहीं अलापा, तो पाकिस्तान को वैसे भी वो सहयोग नहीं मिल सका है जो वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खोजता है। पाकिस्तान की हालत हर एक मोर्चे पर खराब है, आर्थिक से लेकर सामरिक हालात ठीक नहीं है, और इस बीच उसको समर्थन देने वाले अमेरिका ने भी अपना हाथ तंग कर लिया है, तो पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है। वो अब कभी सार की बात कर तो कभी डायलॉग का बहाना बनाकर भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाह रहा है।
जहां तक बात रही पाकिस्तान की और हमारे रिश्तों की, वो तो एक अलग हम कह सकते हैं एक अलग ट्रैजेक्टरी पर है, बहुत क्लियर कट है कि उसमें जब तक पाकिस्तान अपनी प्रोपोगंडा और अपनी ग्राउंड की टेरर सपोर्ट नहीं कम करता, तब तक हमारी रूटीन रिलेशन नहीं हो सकते। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि SCO एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें अपनी डेफिनेटली अपनी आवाज रखनी है, अपने पॉइंट रखने हैं, और पाकिस्तान को लेकर के भी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी करेक्ट एंड वेरी बहुत मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट डिसीजन है भारत का, कि हम ये भी कर सकते कि कोई ना जाए, ये भी हो सकता था राइट कहने में, बट डेफिनेटली यस, हम एक सिंसियर सीरियस पार्टिसिपेशन है बट नॉट एट द लेवल ऑफ द हेड्स। दूसरी तरफ चीन की विचारधारा का समर्थन करने और उसी के समर्थन से चुनाव लड़ने और जीतने के लिए मशहूर मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर मोइज्जू ने मालदीव को भारत की ओर से उपहार में दिए गए 3 विमानन प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। हालांकि थोड़े बहुत विमान कर्मी वहां थे, उनमें सैनिकों की संख्या बेहद कम और इंजीनियर्स और मेंटेनेंस वालों की अधिक थी। भारत ने भी वहां फिर हरेक सैन्यकर्मी को हटा दिया और सिविलियन को तैनात किया। हालांकि भारत के खिलाफ मोइज्जू के मंत्री भी बयानबाजी करते रहे और जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने वहां के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाली तो मालदीव की हालत बेहद खराब हो गई। चूंकि मालदीव का मुख्य धंधा ही पर्यटन है तो वो इस तनातनी से बेहद प्रभावित हुआ और मुश्किल में आ गया। लक्षद्वीप और मालदीव वाले विवाद के बाद मालदीव के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा था। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में बड़ी कमी आई थी। भारत के आम से लेकर खास पर्यटकों तक ने मालदीव पर्यटन को अपने मैप से हटाना शुरू कर दिया था और उसके बाद से ही मालदीव पर बहुत दबाव था कि वो भारत के साथ अपने संबंध सही करे। भारत और मालदीव के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी की। हालांकि मालदीव के विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया और 3 मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। इसके बाद अमेरिका में मोइज्जू ने कहा था कि जिन लोगों ने भारत के खिलाफ बयान दिया था उन पर एक्शन लिया गया। वहीं पिछले महीने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में मालदीव भारत संबंधों में खटास आई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दोनों देशों ने गलत फहमियों को सुलझा लिया है। भारत ने हर मुश्किल वक्त में मालदीव की मदद की है। भारत और मालदीव के बीच 1965 में ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। दमदार विदेश नीति। भारत ने 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम किया था। 2004 की सुनामी के वक्त भी बड़ी मदद की थी। 2014 में मालदीव में जल संकट पैदा हो गया था, तब भी भारत ने मदद की थी। 2020 में भारत ने मीजल्स वैक्सीन की हजारों डोजेस भेजी, तो कोविड के समय भी मालदीव की भारत ने काफी मदद की थी। इसके बावजूद अगर मालदीव खामखा चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया तो देर सवेर उसे ये बात तो समझ में आनी ही थी। आगे अब बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से SCO समिट को लेकर हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस्लामाबाद में होने वाले उनके प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया। ये रैली पाकिस्तान की हालिया सरकार के खिलाफ होने वाली है। इमरान खान की तरफ से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना के जवानों को तैनात किया गया था। आगामी SCO समिट के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना 5 से 17 अक्टूबर तक शहर में रहेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस्लामाबाद में पार्टी के धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। PTI सरकार में सूचना सलाहकार रहे बैरिस्टर अली सैफ ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने की अपील की है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सेना की तैनाती कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ PTI इस्लामाबाद के डी चौक पर बड़ा धरना आयोजित करने जा रही है। इसे लेकर PTI और इस्लामाबाद पुलिस के बीच झड़प हो चुकी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बात करते हुए बैरिस्टर अली सैफ ने कहा, हम जयशंकर साहब को भी दावत देते हैं कि वो हमारे विरोध प्रदर्शन में आए और हमारे लोगों को एड्रेस करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पाकिस्तान की संघीय सरकार उसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। सैफ ने कहा कि PTI को संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने अतीत में भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया, उसे देखते हुए भारत पाकिस्तान सरकार और वहां के किसी भी सियासी दल को भाव देने के मूड में नहीं है।
उरी में हमला। 2016 में भारतीय जवानों के वेश में चार आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप पर फेंके थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। मुद्दा जरूर उठेगा, चाहे टेररिज्म के ऊपर वहां पे डिस्कशन हो, चाहे वहां पे अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उस क्राइसिस पे डिस्कशन होगी क्या है। अब उधर बात हो, मीडिया के साथ बातचीत करने के अंदर ये भी पता चलेगा, निकलेगा कि पाकिस्तान का रवैया क्या है मिडिल ईस्ट की तरफ, ये जो हो रहा है बिटवीन इसराइल एंड ईरान के साथ क्या हो रहा है। और ईरान के साथ में भी जो बेसिकली टेंशन हो गई थी बॉर्डर के ऊपर, अब पाकिस्तान को शायद मौका मिलेगा कि ये सुझाव दे और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि ईरान के साथ में उसकी बातचीत ठीक हो जाए, क्योंकि ईरान जो बॉर्डर पे दोनों के जो तालिबान एलिमेंट और जो एक साइड में इनके एलिमेंट है एक साइड में उनके एलिमेंट है, और बलूचिस्तान में कई टारगेट्स पे हमला हो चुका है और ईरानी भी नाखुश हैं, पाकिस्तानी के बलोच भी नाखुश हैं, चाइनीज जो वहां बैठे हैं। तो चाइना भी इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या डेवलपमेंट होती है। भारत का जवाब। पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए 28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। तड़के तक ऑपरेशन पूरा कर भारतीय सेना वापस लौट आई। इस हमले में 38 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों और उनकी फिल्मों का भी बायकॉट होने लगा था। भारतीय क्रिकेट टीम भी आखिरी बार 2008 में मैच खेलने पाकिस्तान गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई। अब करीब 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट की अहमियत को देखते हुए पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं। इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। साल 2001 में इसकी स्थापना किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने व्यापार और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की थी। बाद में कई और देश जुड़ते चले गए। भारत और पाकिस्तान साल 2017 में संगठन के सदस्य बने थे। इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस हैं। बेलारूस संगठन का सबसे नया सदस्य है। जुलाई 2024 में वो संगठन का हिस्सा बना था। पिछले साल ईरान भी एससीओ का सदस्य बना था। 2001 से ही हर साल सदस्य देशों के हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर के अलग अलग बैठक आयोजित होती रही है। इंडिया का स्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का स्टेटस और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटस अब इतना हाई हो गया है कि सबकी नजरें उन पे जाती हैं। उनकी नजरों पाकिस्तान, इंडिया के लीडर इसलिए सबकी नजर में रहते हैं कि सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई पीसफुल नेगोशिएशन की बात करें, रेप्रोचमा की बात करेंगे। इंडिया की छवि ऐसी है कि सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहल अगर कोई उठाएगा इस दायरे के अंदर, ह्यूमैनिटी के दायरे के अंदर, तो इंडिया उठाएगा। तो ये भी एक्सपेक्ट होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो ओवरऑल ऑल तो अब देखने को पता चलेगा, बट ये एक काफी मील का पत्थर है जो आप न्यूज लेके आए हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं। तो अपने आप में मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है। तो देखिए, इस समय एससीओ देशों में पूरी दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है और पूरी दुनिया की जीडीपी में एससीओ देशों की 20% हिस्सेदारी भी है। दुनिया भर के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा इन्हीं देशों में है और ऐसे में एससीओ देशों के बीच चल रही हलचल पर अब पूरी दुनिया की नजर मची हुई है। लिहाजा भारत पूरी संजीदगी से एससीओ समिट में हिस्सेदारी करने जा रहा है, भले ही इसका आयोजन पाकिस्तान की जमीन पर ही क्यों ना हो रहा हो। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।